नमस्कार जी, पंजाब सिटी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन सब्जी मंडी से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सोलन सब्जी मंडी में बड़ी मात्रा में टमाटर की आपूर्ति हो रही है और टमाटर के भाव में जो मंदी चली है वो लगातार बरकरार है। अच्छी क्वालिटी का टमाटर बहुत कम मात्रा में पहुंच रहा है और यदि आ रहा है तो उसे अच्छे दाम भी मिल रहे हैं। वो 700 से 800 रुपये के बीच में भी मंडी में बिक रहा है, लेकिन ज़्यादातर टमाटर के लॉट मंडियों में 300 रुपये से लेकर 650 रुपये तक ही बिक रहे हैं। वजह साफ है कि बारिश की वजह से टमाटर फट गया है और जब टमाटर फटा हुआ टमाटर मंडियों में आ रहा है तो उसके भाव में थोड़ी गिरावटें देखने को मिल रही है। पिछले 2 दिनों से सोलन में धूप खिली हुई है और यदि 2-3 दिनों तक इसी तरह का मौसम बना रहा तो टमाटर की क्वालिटी में सुधार होगा और उम्मीद है कि उस टमाटर के रेट भी 700 से 800 रुपये मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल जिस तरह का टमाटर है, जिस तरह की टमाटर की क्वालिटी है तो उससे लग नहीं रहा है कि अभी टमाटर के भाव में और तेज़ी देखने को मिलेगी। हालांकि इस समय सोलन सब्जी मंडी में 15 जुलाई से पहले पहले टमाटर मंडियों में 1000 से लेकर 1700 रुपये के बीच में बिकना शुरू हो गया था और एक ऑन एवरेज रेट की बात करें तो उसमें 1100 से 1200 रुपये के बीच का ऑन एवरेज रेट चला हुआ था। लेकिन जैसे ही बेंगलोर का टमाटर देश भर की मंडियों में शुरू हुआ तो उसके बाद से टमाटर के रेट में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और स्थिति ये हो गई है कि किसानों को अपने खर्चे पूरे करने भी अब मुश्किल हो गए हैं। उन किसानों की हालत और भी दयनीय हो चुकी है जिन्होंने ठेके पर ज़मीन ली हुई है, क्योंकि उस अभी ठेके का पैसा भी देना है और दवाइयों का खर्चा बहुत ज़्यादा इस बार देखने को मिल रहा है। क्योंकि टमाटर थोड़ी सी बारिश है, यदि ज़्यादा हो जाए तब भी फट रहा है और यदि गर्मी पड़ जाए यानी सूखे की स्थिति रहे तो तब भी टमाटर फट रहा है। और यही कारण है कि किसान परेशान है, क्योंकि किसानों का आरोप है कि बाज़ार में जो बीज मिल रहा है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है और यह बीज ऐसा है कि अधिक गर्मी पड़ने पर भी नुकसान टमाटर को हो रहा है और अधिक बारिश हो रही है तब भी टमाटर को नुकसान हो रहा है। तो कुल मिलाकर किसान काफ़ी परेशान इस वक्त नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बरसात के सीज़न में पिछले वर्ष भी टमाटर के भाव में लगातार गिरावट देखने को मिली थी, मंदी की मार थी और स्थिति यह थी कि टमाटर की क्रेट पिछली बरसात में 200 रुपये से लेकर 300 रुपये के बीच में 350 रुपये के बीच में बिक रही थी और कुछ इसी तरह की परिस्थितियां अब पैदा होती जा रही है। क्योंकि टमाटर अभी भी मंडियों में 300 रुपये से लेकर 650 रुपये के बीच में बिक रहा है, जबकि सुबह की बात करें तो सुबह टमाटर के रेट में तब भी थोड़ी तेज़ी देखने को मिली थी, 750 रुपये तक भी टमाटर की क्रेट बिकी थी। लेकिन बोलियों के बाद से जैसे ही बोलियाँ लगी तो बोलियों में टमाटर का जो उठाव था वो तो काफ़ी हुआ, लेकिन उस तरह के रेट अभी किसानों को नहीं मिल पा रहे हैं। किसान थोड़े चिंतित भी है कि गर्मियों का सीज़न बीच में ही एक समय तेज़ी में देखने को मिल रही थी, लेकिन बाद में टमाटर के रेट गिरने शुरू हो गए और बरसात के सीज़न में भी इसी तरह के भाव चले हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में टमाटर के रेट में और तेज़ी देखने को मिलेगी।